जब भी किसी पॉलिटिशियन का जलसा होता है, जब भी किसी सिंगर का कॉन्सर्ट होता है, या जब भी किसी फंक्शन में किसी हाई प्रोफाइल शख्स ने आना होता है, तो वो थोड़ा सा लेट आता है, वो लोगों को अपनी प्रेजेंस के लिए क्रेव करवा रहा होता है, और जब वो आता है स्टेज पे अपनी तकरीर करता है तो वो फौरन निकल जाता है, रफू चक्कर हो जाता है, और लोग वेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने उनके साथ सेल्फी लेनी है, मगर वो शख्स इसकी परवाह नहीं करता और वो फौरन गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। ये सब कुछ वो जान के करता है, और मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्यों वो जान के करता है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है कि जब कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट हो जाती है, जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को मज़ीद क्रेव करना स्टार्ट कर देते हैं और उस चीज़ की प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है, और इसी वजह से कंपनीज अक्सर अपनी प्रोडक्ट्स को कम सप्लाई करती हैं मार्केट में, ताकि उनकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाए। जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो दूसरा शख्स हमें उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, दूसरा शख्स हमें फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है, दूसरा शख्स हमारी वर्थ का अंदाज़ा नहीं करता। जिस तरह हद से ज़्यादा नफ़रत अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल इसी तरह हद से ज़्यादा प्यार अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल इसी तरह किसी के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल होना भी अच्छा नहीं होता है। इन अ नटशेल के हर चीज़ हद में अच्छी लगती है, और इसी वजह से पॉलिटिशियंस, इसी वजह से सिंगर्स जान के वहाँ से निकल जाते हैं, ताकि पब्लिक को उनकी वैल्यू का अंदाज़ा हो, पब्लिक उनकी प्रेजेंस के लिए क्रेव करे, पब्लिक उनके गाने सुने, पब्लिक को अंदाज़ा हो कि ये शख्स हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर है, कि इसका टाइम इतना ज़्यादा कीमती है। और इसी वजह से जो अक्सर चीफ गेस्ट होते हैं वो लेट आते हैं, ताकि वो दूसरों को ये फील करवा सकें कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और उनके टाइम की बहुत वैल्यू है, और बिल्कुल इसी वजह से हम फिर उन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं, बिल्कुल इसी वजह से फिर हम उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा भी करते हैं। अक्सर होता क्या है हमारी अपनी डेली लाइफ में, कि हम किसी दूसरे को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, किसी दूसरे को इतना ज़्यादा जो है वो हम टाइम दे रहे होते हैं, किसी दूसरे के लिए इतने ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, कि दूसरे शख्स के लिए वो चीज़ एक रूटीन बन जाती है, दूसरा शख्स उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है, और वो फिर हमारी वर्थ का अंदाज़ा नहीं करता, और जब वो शख्स हमारी ज़िंदगी से निकलता है, जब वो शख्स हमें छोड़ता है, तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये रिलेशनशिप स्ट्रेटजी भी है कि जब हमारा ब्रेकअप होता है तो उसमें स्पेस देना ज़रूरी होती है, उसमें हमें ये शो करवाना होता है कि हम किसी दूसरे के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं हैं। और हर वक्त अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं है कि हमने सेल्फिश हो जाना है, हमने रूड हो जाना है, या हमने जान के रिप्लाई लेट करना है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम एक हद में रह के किसी दूसरे के लिए अवेलेबल हों। ये किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहने वाली स्ट्रेटजी आपने तब यूज़ करनी है जब आपके रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज आ रही हों, जब कोई दूसरा आपकी वर्थ को ना पहचान रहा हो, जब आपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह मार्केट करना हो। इसको आपने हरगिज़ हर वक्त यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप हर वक्त यूज़ करेंगे तो लोग आपको सेल्फिश समझेंगे, लोग आपको मीन समझेंगे, और हमने किसी को इंटेंशनली इग्नोर नहीं करना। मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज सेट कर लेनी है, और ऑटोमेटिकली फिर आप लोगों के लिए कम अवेलेबल हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपको पब्लिक के लिए अवेलेबल होना है, आपको बहुत ज़्यादा हम्बल होना है, और ना सिर्फ दिखाने के लिए बल्कि अंदर से भी आपको हम्बल होना है। डू नॉट बी टू अवेलेबल का मतलब सिर्फ ये है कि आप लिमिट में रह के किसी दूसरे के लिए काम करें, आप लिमिट में रह के किसी दूसरे की केयर करें, आप लिमिट में रह के किसी दूसरे की हेल्प करें, आप लिमिट में रह के किसी दूसरे से प्यार करें। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी वर्थ को भी पहचानिए, क्योंकि हम खुद अपनी वर्थ को क्रिएट करते हैं।